एक अच्छा डिसीजन ले जिससे एक इफेक्टिव कार्रवाई कार्यवाही लाई जा सके। ऐसा नहीं हो कि ये मजाक बन के रह जाए। सकती है पर जब सबकी राय होगी उस राय को मैं भी मानूंगा। इसलिए जो भी कार्य करना है हमारे पास 2 या 4 दिन बीच में है करनी है, तो कितने लोग कहाँ पे हमने इकट्ठे होना है तो सारे मैसेज सभी स्कूलों में जाएं। और हमारी राय तो ये है कि सभी स्कूल सारे संघ जितने भी शिक्षक संघ हैं हमारे सारे एक हो चुके हैं, तो सारे कॉल दें। और उस दिन अगर उन्ना में शिक्षा का कार्य ठप होता है तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, अदरवाइज हम उसके बाद जो हमारा था जहाँ अनुराग ठाकुर आते हैं या 29 को आएंगे या जो भी नड्डा जी आएंगे, केंद्र का जो है सभी शिक्षक संघ जो है वो इसमें शामिल हुए हैं। क्या मुख्य उद्देश्य था? हमारा मुख्य उद्देश्य था कि जो एक्ट है पॉक्सो एक्ट है उसका दुरुपयोग जो है उसके बारे में हम ज्ञापन दे रहे हैं माननीय जिलाधीश महोदय को। और उसके बाद हम 24 को एक रैली करेंगे जो जिसके माध्यम से हम प्रधानमंत्री को माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे थ्रू DC। और एक दिन जब समय लगा तो माननीय उद्योग मंत्री जी को ज्ञापन देंगे जो कि प्रदेश सरकार को ज्ञापन जाएगा इस एक्ट के विरोध में, क्योंकि इस एक्ट का जो दुरुपयोग हो रहा है उसका सारे शिक्षक समाज में भय है कि आज तो एक के साथ हुआ ऐसा कार्य, कल को जो है वो क्योंकि हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं जिनकी आयु 16 वर्ष से नीचे होती है, तो शिक्षक समाज आज इतना को गिरा तो नहीं है कि ऐसे निमन कृत्य करेगा। और इसके लिए अगर सरकार हमारी सुनाई करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो हम जो है वो धरना रैली और जहां तक हम जा सके जाएंगे। आजाओ आजाओ। अजब शक्ति जिंदाबाद। आवाज।